हुआ 20 mm डाया है थ्रेडिंग का, ठीक है। थ्रेडिंग डेढ़ पिच, हमारा डेढ़ पिच की थ्रेडिंग है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी पिच है, ठीक है, हमारी थ्रेडिंग डेढ़ पिच की है, और यहाँ पे डाया कितना है थ्रेडिंग का, जो रॉ मटेरियल का डाया हो उसमें 20 mm, ठीक है, 20 डेढ़ की चूड़ी पानी है, ठीक है, 20 डाये पे चूड़ी पानी हमारी डेढ़ पिच है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा थ्रेडिंग के बारे में, थ्रेडिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, बट बताऊंगा फानो कंट्रोल के। अभी तक तो मैंने जितनी वीडियो भी डाली है दोस्तों, मैं हर वीडियो डाली है सीमेंस के बारे में, एक दो वीडियो होंगे मेरी फानुक के बारे में, बट आपको बताऊंगा आज फानुक के बारे में कि थ्रेडिंग कैसे डालते हैं, वो भी मैनुअल में। दोस्तों साइकिल थ्रेड आप सीखोगे तभी जब आप मैनुअल आपको आएगी, ठीक है, क्योंकि मैनुअल आज आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि इसी वीडियो, अगर वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो इसी वीडियो से आप आज पूरी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे कि मैनुअल प्रोग्राम कैसे फानुक कंट्रोल में थ्रेडिंग करते हैं, वो चीज़ आप पूरा अच्छे से सीख जाओगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करना तो बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों मैंने पूरा जब से मैंने सीखना शुरू किया दोस्तों, पूरा अपने एक्सपेरिमेंट पे कह रहा हूँ कि आप जैसे मैं सिखाऊँ ना दोस्तों आप भी सीख जाओगे, 100% कह रहा हूँ। जैसे मैं सिखाऊँ उसे आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। आपको अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो 5-10 मिनट की होगी दोस्तों, पूरा देख लेना। अगर इसी वीडियो से आप प्रोग्रामिंग करना ना सीख गए तो मेरे को कहना भाई आपने गलत बोला था, क्योंकि आज ऐसे सिखाऊंगा बहुत अच्छे से सिखाऊंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा 20 डाई पे थ्रेडिंग रहेगी दोस्तों, हमारी डेढ़ पीस की थ्रेड रहेगी, ठीक है। आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, ठीक है, फानुक कंट्रोल के बारे में कि थ्रेडिंग कैसे डालते हैं, स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा। आप पूरा ध्यान से समझना, वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको आएगा नहीं, मैं गारंटी कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ी बहुत देखने होगी, वीडियो को नहीं देखना दोस्त, जिसको सीखना है वही वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं मशीन पे कि कैसे फानुक कंट्रोल में थ्रेडिंग डालते हैं, और भी मैनुअल में थ्रेडिंग कैसे डालते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग जो है 20 डाई हमारी थ्रेडिंग पड़ेगी डेढ़ पिच की, ठीक है। वही थ्रेडिंग में आपको फानुक कंट्रोल पे कैसे डालते हैं वो चीज़ मैं आपको लिख लिख के एक स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि इसी तरह फानुक कंट्रोल में डालते हैं। अगर आपके यहाँ फानुक कंट्रोल मशीन लगी होगी तो आप डाल के देख लेना, उतने ही डाई का कंपोनेंट ले लेना। अगर उसी तरह थ्रेडिंग डालना नहीं डल गई तो मेरे को कमेंट में जवाब देना भाई आपने गलत बोला था, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर देना, क्योंकि सीएनसी से रिलेटेड मैं ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ दोस्त, आपके हेल्प के लिए मैं वीडियो डालता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा मैं आपको समझा दूँ और जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई भी कंपनी में जाके आप बहुत बढ़िया सैलरी उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मशीन पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे फानुक कंट्रोल में मैनुअल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं थ्रेडिंग का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मशीन में चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा फानुक कंट्रोल में मैनुअल प्रोग्राम थ्रेडिंग का कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मैं आपको पूरी फुल एक्सप्लेन करूँगा, वो भी आज इस पर एक्सप्लेन करूँगा, और डायरेक्टली मशीन पे भी कभी कभी एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि मैं जितनी भी प्रोग्रामिंग किया हूँ थ्रेडिंग के बारे में आपको सीमेंस में बताया हूँ, ठीक है। एक दिन मैं सीमेंस का मैनुअल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा, और अभी तक जितनी मैंने प्रोग्रामिंग बताया साइकिल में बताया था, अब मैं मैनुअल प्रोग्राम बताऊँगा फानुक कंट्रोल में भी और सीमेंस कंट्रोल में भी। आज मैं आपको फानुक कंट्रोल का अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट डे मैं सीमेंस कंट्रोल का भी मैनुअल प्रोग्राम आपको समझाऊंगा, ठीक है उसको। तो मैंने देखो यहाँ पे फानुक कंट्रोल का मैनुअल थ्रेडिंग का प्रोग्राम मैंने उभरा हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ड्राइंग है जिसमें ड्राइंग में लिखा हुआ है 20 mm डाया है थ्रेडिंग का, ठीक है। थ्रेडिंग डेढ़ पिच, हमारा डेढ़ पिच की थ्रेडिंग है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पिच है, ठीक है, हमारी थ्रेडिंग डेढ़ पिच की है, और यहाँ पर डाया कितना है थ्रेडिंग का, जो रॉ मटेरियल का डाया हो उसमें 20 mm, ठीक है, 20 डेढ़ की चूड़ी पानी है, ठीक है, 20 डाये पे चूड़ी पानी हमारी डेढ़ पिच है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जहाँ तक चूड़ी पानी है, चूड़ी हमारी लॉन्ग कितनी लॉन्ग है 10 mm, ये 10 mm लॉन्ग चूड़ी हमारी, ठीक है दोस्तों, 10 mm लॉन्ग चूड़ी है, 10 mm लंबाई में हमारी चूड़ी पानी है, वो भी 20 डाये पे डेढ़ पिच, ओके। ये ड्राइंग है, ड्राइंग देख लीजिए आप, अब आ जाइए आप प्रोग्राम पर, ठीक है दोस्तों। तो प्रोग्राम इस पर कैसे बनाते हैं फानुक कंट्रोल में वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले दिखा है N1, ठीक है दोस्तों, N1 हमारा जो क्या है प्रोग्राम नंबर जो हम डालते हैं N1 लगा के डालते हैं फानुक कंट्रोल में, N1 वहाँ हमारा हो गया, ठीक है, G28U0.0, ठीक है दोस्तों, G28U0.0 क्या हो गया हमारा रेफरेंस, हमारी जो फानुक कंट्रोल की होती है ना सीमेंस में तो G75X0.0 डालते हैं कुछ भी, लेकिन फानु सीमेंस कंट्रोल में जो डालते हैं G75, लेकिन फानुक कंट्रोल में क्या है G28U0.0, ये हमारी मशीन रेफरेंस में चली जाती है दोस्तों। फिर आगे हमारा T0101,
ये हो गया टूल नंबर, टूल नंबर एक, ऑफसेट नंबर एक, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एम जीरो एट क्या है, एम जीरो एट हमारा कूलेंट ऑन हो गया, यानी कि पानी हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। एम जीरो एट से हमारा पानी स्टार्ट होता है, एम जीरो नाइन से पानी बंद होता है। तो यहाँ पे एम जीरो एट हमारी स्टार्टिंग है ना प्रोग्राम, यहाँ पे एम जीरो एट लगा दिए। अब आ गया G97 S1200 M04, ठीक है दोस्तों। G97 में क्या कि हमारा जितने RPM में हम चक्के को घुमाना चाहेंगे एक ही रूटीन में हमारा चक्का चलता रहेगा, इसलिए G97 लगा दिए। S1200 मतलब RPM हमारा 1200 की स्पीड में हमारा चक्का चलता रहेगा, उसी की वजह से चूड़ी पड़ जाएगी 1200 RPM, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे M04 लिखा हुआ है, M04 क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, जब हम नीचे से अगर टूल बंधा हुआ है हमारा, या फिर हमारा टाइड वाली मशीन है, अगर हमारा टूल उल्टा के हम बांधे हुए फिर भी M04 में चक्का चलेगा, तभी उल्टा टूल रहेगा, तभी ये एच काम करेगा उस पर, इसलिए M04 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। M04 लगा दिया। अब क्या है कि G0Z50.0 तो मैंने आपको प्रोग्राम में बताता अभी हूँ, बट अभी भी बता दे रहा हूँ, जहाँ पे आप Z0 लोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर Z0 ले लिए हो, यहाँ से डिस्टेंट हमारा हो जाएगा 50 mm दूरी, ये जो 50 mm दूरी टूल को मैंने खड़ा किया, ठीक है दोस्तों, 50 mm दूरी टूल को मैंने खड़ा किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 50 mm दूरी को खड़ा किया हुआ है। अब हमारा देखो 20 डाई पे चूड़ी पड़ेगी हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 डाई पे चूड़ी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, X22.0 क्या है दोस्तों, जब हमारी चूड़ी बार बार पड़ेगी दोस्तों, बार बार पड़ेगी, तो जैसे चूड़ी पर गई 20 डाई पे पड़ेगी चूड़ी, तो हमारा X22 पे उठेगी और बाहर को आएगी, कितना आएगी Z1 पे, ठीक है दोस्तों। तो वही मैंने डाल दिया है, ये बार बार रेफरेंस पे आएगी ना हमारा X जो उठेगी बार बार हमारा 22 पे उठेगी, ठीक है दोस्तों। 20 डाई पे चूड़ी पड़ी है, 22 पे बार बार उठेगी ऐसे चूड़ी। यहाँ पे G0Z1.0, अब 50 mm दूरी खड़ा हुआ टूल, वहाँ से हम 1 mm पे लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो G92X20.0, ये हमने जो थ्रेडिंग पानू कंट्रोल थ्रेडिंग में डालते हैं कोड लगा के, G92 में हम चूड़ी डालते हैं, ठीक है दोस्तों, ये मैनुअल प्रोग्रामिंग है पानू कंट्रोल की। G92X20.0 Z-9.5, यहाँ पे क्या है, हमारा 20 mm 10 mm दिया हुआ दोस्तों, पर हमने आधा mm पीछे चूड़ी को रखा हुआ ताकि हमारा जाए टूल हमारा इसमें इस एज में हमारा टच ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा mm कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। 9.5 मतलब आधा mm कम कर दिया 10 mm में, ताकि हमारा इसमें टूल हमारा टच ना हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा F1.5 मतलब पिच हमारा डेढ़ पिच है, इसलिए डाल दिया G92X20Z-9.5 F1.5, हमारा पिच हो गया N.5, ठीक है F1.5। तो दोस्तों G92 में हमारा जो फानू कंट्रोल का, उसमें G92 में हम चूड़ी डालेंगे मैनुअल में, प्रोग्राम जो साइकिल होती है वो अलग बनता है, ठीक है दोस्तों, उसको किसी और दिन बताऊंगा आपको। देखो पहला कट मैंने 20 पे मार दिया, ये रेफरेंस है, ठीक है दोस्तों, एक कट वैसे फालतू हम दे देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आ गया X19.70, मैंने 0.3 का दोस्तों, 0.3, ठीक है दोस्तों, 0.3 का पहला कट मारा, ठीक है दोस्तों, पहला कट हमारा 0.3 का लगेगा दोस्तों। देखो अब यहाँ पे G92 डाल दिया ना दोस्तों, G92 हमारा इसलिए कोड होता है ना, इसमें क्या है, एक बार हम G92 डाल दिए दोस्तों, ये बार बार चूड़ी हमारी पड़ती रहेगी, ठीक है, बार बार पड़ती रहेगी। वही मैंने डाल दिया X19.7, X19.4, देखो तीन पॉइंट थ्री मैंने कम करते हुए चला गया, कितने देखो अभी 20 mm पे चूड़ी हमने डाली हुई है, 20 mm पे अगर हम जब 20 mm पे डेढ़ पिच माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा, 20 mm अगर माइनस करेंगे तो हमारा 18.5, ठीक है दोस्तों। अगर हम 20 mm में माइनस करेंगे डेढ़ पिच को, तो वही हमारी क्या हो जाती है, हमारी डेप्थ गहराई हो जाती है, ये टूल की गहराई हो जाती है हमारा, ठीक है दोस्तों, थ्रेडिंग की गहराई हो जाती है जो हमारी 20 mm पे अगर चूड़ी हम डाले हुए हैं तो डेढ़ पिच डाले हैं तो हमारा 18.5 तक हमारा चूड़ी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 0.3 का कट लगाते हुए देखो 19.70, फिर 0.3 घटाया 19.4, फिर 0.3 घटाया तो 19.1, ठीक है दोस्तों, फिर 0.3 घटाया तो 18.80, फिर 0.3 घटाया तो हमारा 18.5। अब क्या मैं डबल 18.5 किस लिए डाल दिया दोस्तों, डबल 18.5 डाल दिया, ये हमारा जो होगा फिनिशिंग, आखिरी कट मेरा वैसे चला जाएगा फिनिशिंग के लिए, इसलिए मैंने डाल दिया, मार्जिन कोई नहीं रखा, उसी भी मैंने लास्ट कट डाल दिया 18.0, ठीक है दोस्तों, 18.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारी क्या हो गया, यहाँ पे हम 18.5 तक चूड़ी डल गई हमारी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे G0X22.0 यहाँ पे डाल दिए, अब हमारा रेफरेंस वैसे उठेगी 22 पे, हमारा 20 पे चूड़ी पड़ी हुई उठेगी Z50M09, मतलब टूल अपने पोजिशन पर जाके खड़ा हो जाएगा Z50 पे M09 से, पानी कूलेंट हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे G28 लिखा हुआ है, ये रेफरेंस कोड है, फानू कंट्रोल का रेफरेंस कोड है, जिस 50 पे गई
हमारा रेफरेंस U0.0 हमारा रेफरेंस चली गई। अब यहाँ पे M05 M30 एंड प्रोग्राम, ठीक है। M05 से क्या है, स्पिंडल ऑफ, ठीक है दोस्तों, स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, M30 से प्रोग्राम ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेन जो फानो कंट्रोल का जो मैनुअल प्रोग्राम है मेन इसी का है, G92 का मेन फंडा है। G92 डालोगे दोस्तों ये बार बार ये ऐसे कट डालते चले जाओगे आप, X19.70 X19.40 ऐसे घटाते चले जाओगे जितना पिच होगी आपकी। तो क्या है, बार बार हमारी चूड़ी पड़ती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मैंने 20 ढाई पे डाल दिया, 18.5 तक चूड़ी हमारी पड़ गई तो हमारा बिल्कुल ओके चूड़ी पड़ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत जो चूड़ी टाइट होगी या ढीली होगी वो आप ऑफसेट टूल से जाके वहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपकी सेम ऐसी प्रोग्रामिंग कर देना दोस्त फानु कंट्रोल में, अगर नहीं पड़ी तो मेरे को कहना भाई अब मैंने गलत बताया, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, और कुछ नहीं करना, कोई भी कंपोनेंट हो कैसा भी कंपोनेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो साइकिल का मैं कोई किसी और दिन बता दूंगा, मैंने आपको पहले मैनुअल चलती है फानु कंट्रोल में, मैनुअल आपको समझ भी आएगी, इसलिए मैंने आपको मैनुअल इसमें प्रॉपर प्रोसेस समझाया। आपका ये ऐसे अगर डालोगे दोस्त आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीख मिली होगी, जिससे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। ऐसे कोई नहीं बताता, ठीक है, मेरे को पता है दोस्तों आप बड़ी बड़ी वीडियो देखते हो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से ढंग से एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। यही मशीन पर करता दोस्तों आपको कम समझ में आता है, इसलिए मैंने इस पर किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सीएनसी से रिलेटेड ऐसा ऐसा कंटेंट डालता रहता हूँ दोस्तों, ताकि आपके हेल्प के लिए मैं डालता हूँ कि आपको समझ आ जाए, अच्छे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, ताकि कोई भी कंपनी में जाके दोस्तों आप अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर सको, ठीक है दोस्तों। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय।